गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज क्लास नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 13 व्हिच इज प्रोबेबिलिटी। इन प्रीवियस क्लास वी हैड डन अप टू एग्जांपल नंबर 4। नाउ अब हम आगे करते हैं एग्जांपल नंबर 5 ऑनवर्ड्स, और इसके साथ ही जो हमने एग्जांपल नंबर 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए थे, तो 1-8 क्वेश्चन हमने दिया था फॉर एक्सरसाइज के अंदर, राइट। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, देखिए व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 5। अ डाई इज थ्रोन 3 times, अ डाई इज थ्रोन 3 times, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अ डाई इज थ्रोन 3 times, तो सैंपल स्पेस इज 1, 1, 1, ऐसे 1, 1, 2, ये सारा एंड 6, 6, 6 तक। तो दोज आर, अब ये पॉसिबल नहीं हमारे पास ये सारा देखना, तो दोज आर 6 to the power n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर अ डाई, फॉर अ डाई। तो किसी डाई के लिए क्या होता है कि 6 to the power n होता है, और n ही इज नंबर ऑफ ट्राइल्स। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि 3 times है ना, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 to the power 3, 6 to the power 3 is 216. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 216। एंड आफ्टर दैट ए इज द इवेंट 4 ऑन द थर्ड थ्रो, ए इज द इवेंट 4 ऑन द थर्ड थ्रो, 4 on third throw। तो देखते हैं 4 on third throw में क्या क्या है। 1, 1, 4, 1, 2, 4 and 1, 6, 4, ऐसे ही 2, 1, 4 से लेके 2, 6, 4 तक, ऐसे ही 3, 1, 4 से लेके 3, 6, 4 तक, ऐसे ही 3, 4, 6, 4, 1, 4 से लेके 4, 6, 4 तक, ऐसे ही 5, 1, 4 से लेके 5, 6, 4 और 6, 1, 4 से लेके 6, 6, 4। तो ये तो तुम्हारे पास ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट विल बी कितना, 6, 36। तो 36 upon 216 आ गए, राइट, दैट वाज ए। और बी क्या है, व्हाट इज बी, बी इज द इवेंट 6 on first and 5 on second, 6 on first and 5 on second, बी इज द इवेंट 6 on first and 5 on second, तो 6, 5, 1, 6, 5, 2, 6, 5, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 5, 6, 5, 6, तो प्रॉपर्टी ऑफ बी दैट इज 6 upon 216। अब व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन आएगा हमारे पास 6, 6, यहां से 6, 6, 1, 4 नहीं आएगा, 6, 5, 4 आएगा, ओनली 6, 5, 4 आएगा, क्योंकि लास्ट में इसमें 4 है ना, तो 6, 5, 4। तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए सेक्शन बी दैट इज 1 upon 216। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी कट, तो वी हैव टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ ए अपॉन बी, वी हैव टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ ए अपॉन बी। तो व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए अपॉन बी, इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ बी, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए ले सकते हैं बी, दैट वॉज 1/216, प्रॉपर्टी ऑफ बी दैट वॉज 6/216, तो दैट इज 1/6, तो दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर फाइव. Now example number 6. What is example number 6? Let us see. Sixth example kya hai, dekhte hain. Sixth is a die is thrown twice. A die is thrown twice. So that means ek die ko do times, to ye ho jayega 1-1 se leke 6-6 tak. तो ये हो जाएगा, डाई वाले केस में बताया था ना मैंने कि 6 to the power 2, दैट इज 36, ठीक है, नंबर ऑफ सर्विस पे सी आ जाएगा. अब आगे देखिए, ट्वाइस एड द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, सम ऑफ नंबर ऑब्जर्विंग सम ऑफ नंबर्स इज 6, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस है ना, on two dice is 6. तो देखो जिनका सम 6 हो, इन्हीं के अंदर से देखो जिनका सम 6 है, तो 6 वाले में आ जाएगा हमारे पास 1 के साथ 5, 2 4, 3 3, 4 4 2, 5 1 1 2 3 4 5, जिनका सम 6 है ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इज 6/216, नो सॉरी 6/36. एंड व्हाट इज एफ इवेंट, एफ क्या देखते हैं, ऑब्जर्व टू बी 6, व्हाट इज द कंडीशनल प्रॉपर्टी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, तो नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, जो 4 है वो कम से कम एक बार आना चाहिए. तो देखिए नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार आना चाहिए. तो इसी के अंदर ही देखो कि 1 4 2 4 3 4 5 4 और 4 4 भी आएगा, 3 4 4 4 5 4 6 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 आ चुका है, 4 5 4 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो प्रॉपर्टी ऑफ एफ इज 11/36. अब व्हाट विल बी ए डिसेक्शन बी, ई डिसेक्शन एफ, तो व्हाट इज ई डिसेक्शन एफ, यानी कि कॉमन एलिमेंट ऑफ दीज टू इवेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 2 4 and 4 2, तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ई सेक्शन एफ इज 2/36. अब हमने क्या निकालना है, देखें कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है या एफ अपॉन ई निकालना है, तो देखते हैं क्या निकालना है. क्वेश्चन क्या है, अ डाइस थ्रोन टू आइस एंड द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, व्हाट इज द कंडीशनल प्रॉपर्टी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, तो जिसकी प्रॉपर्टी निकालनी हमने प्रॉपर्टी है कि नंबर अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, तो यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एफ अपॉन ई, दैट इज व्हाट वी हैव टू गेट, द प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ ई, द प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट वाज, व्हाट वाज दैट, 2/36, एंड प्रॉपर्टी ऑफ ई दैट वाज 6/36, दैट इज 1/3, तो इट वाज एग्जांपल नंबर 6. Now after that, example number 7, which is most important one. What is that example? Example number 7. ये बिल्कुल समझने है.
ये डिफरेंट क्वेश्चन है और से, तो आपने जरा ध्यान से समझना है इसको। एग्जाम्पल नंबर 7, वॉट इज दैट? सेवंथ एग्जाम्पल, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। इफ द क्वाइन शोज हेड, टॉस इट अगेन। इफ द क्वाइन शोज हेड, तो सैंपल स्पेस। इफ द क्वाइन शोज हेड, टॉस इट अगेन। अगर हेड आता है तो दोबारा टॉस करो। तो दोबारा टॉस करने से हमारे पास या तो दूसरे में हेड आ सकता है और या दूसरे में टेल आ सकता है। इसने कहा है कि अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, इफ हेड कम्स अप देन टॉस इट अगेन। तो जब हेड आता है पहले वाले केस में तो टॉस इट अगेन, तो इसका मतलब दूसरे वाले उसमें, दूसरे वाले चांस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहले वाले केस में तो हेड है ही। ओके, अब आगे, इट शोज टेल, देन इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। अब इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई, अगर टेल आता है तो हमने एक डाई को थ्रो करना है। तो टी के साथ T1, T2, T3, T4, T5, T6, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब आगे क्या है देखो, इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई, फाइंड। एक बार फिर समझो कि अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, इफ हेड कम्स अप देन टॉस इट अगेन। जब हेड कम आया तो हेड कम्स अप देन टॉस इट अगेन, तो दोबारा टॉस किया तो या तो दूसरे वाले केस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहले वाले केस में तो हेड है। और अब है कि इफ टेल्स कम्स अप देन थ्रो अ डाई, जब टेल कम्स अप थ्रो अ डाई, तो थ्रो अ डाई, डाई वाले केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी दैट द इवेंट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, ई इज द इवेंट, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो देखो ग्रेटर देन 4 में क्या हो जाएगा, इट वॉज T5 and T6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपने, ये चीज जरा ध्यान रखने वाली बात है कि कई बच्चे जो है इसको टोटल आउटकम्स, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसमें से क्या कर देंगे, ठीक है, उसमें क्या कर देंगे कि 2/8 लिख देंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। आपने इस चीज में देखना है कि T5 और T6 ये कब आता है, जब हमने एक क्वाइन और एक डाई को फेंका होगा। तो एक क्वाइन और एक डाई को कि में सैंपल स्पेस क्या होते हैं कि हेड के साथ, तो 1 से लेके हेड 1, हेड 2 से लेके हेड 6 तक, और टेल के साथ T1, T2 एंड T6 तक। तो ये टोटल आउटकम्स होते हैं हमारे पास 12, ठीक है, 6 और 6, 12 हो गए। तो 12 होंगे, तो उन 12 में से ये दो हैं, देखो T5 T6 नहीं कहता, उन 12 में से दो हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 2/12, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और F क्या है हमारे पास, व्हाट इज F? F इज द इवेंट, डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, देयर इज एट लीस्ट वन टेल। There is at least one tail, मतलब वहां कम से कम एक टेल हो, तो दोनों टेल भी हो सकते हैं। तो एच टी एक टेल तो आ रहा है ना, और आउटकम्स आपने यहां से देखने, एच टी T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब इसकी प्रॉपर्टी हम कैसे निकालेंगे, हेड टेल कब आएगा, हेड टेल आएगा जब हम एक क्वाइन को 2 times फेंकते हैं। ये पॉसिबिलिटी कब है, क्योंकि टोटल आउटकम्स की जरूरत है, ये पॉसिबिलिटी तभी है जब हमारे पास एक क्वाइन को हम 2 times टॉस करते हैं। तो एक क्वाइन को 2 times टॉस करने से हमारे पास क्या होता है, एच एच, टी एच, एच टी और टी टी। अब इसमें से ये हमारे पास एच टी एक ही है,
तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इस वाले की प्रॉपर्टी हो जाएगी 1/4 प्लस। और ये T1 T2 ये तो तब आता है जब हमारे पास एक कॉइन और एक डाई वाला केस होता है। तो एक कॉइन और एक डाई वाले केस में हमारे पास क्या है, एक कॉइन और एक डाई वाले केस में टोटल आउटकम 12 होते हैं। तो उन 12 में से कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6/12 ठीक है, एलसीएम 3 + 6 9/12 ठीक है। अब इसमें करेंगे हम ईट सेक्शन एफ। व्हाट इज ईट सेक्शन एफ, ईट सेक्शन एफ मतलब कॉमन एलिमेंट ऑफ दीज टू, तो कॉमन T5 T6 है और इसमें भी T5 T6 है, दैट इज T5 T6। और ये वाला केस कब बनता है, जब एक कॉइन को हम दो, जब एक कॉइन और एक डाई को फेंकते हैं। एक कॉइन और एक डाई वाले केस में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, 2/12। अब हमने निकालना क्या है, ई अपॉन एफ निकालना है या एफ अपॉन ई निकालना है, देखते हैं। तो ये है कि फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 ये है। तो यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है, जो इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है वो ऊपर आएगा। इस कर दो प्रॉपर्टी ऑफ ई सेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ईट सेक्शन एफ हमारे पास कितना था, ईट सेक्शन एफ दैट वॉज 2/12 और वो क्या था हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ एफ 9/12, तो यानी कि 2/9। तो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स नाउ यू कैन ट्राई द एक्सरसाइज 13.1। तो आप 13.1 एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं इस पे बेस्ड, और जो भी डाउट्स होंगे हम नेक्स्ट क्लास में लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।